मध्य प्रदेश के दतिया की तहसील भांडेर थाना दुरसरा अंतर्गत ग्राम रजोरा में आयोजित एक शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि एक युवक ने दूसरे युवक को कट्टे से गोली मार दी। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम रजोरा निवासी अरविंद पाल के यहां उसके भाई जितेंद्र की शादी थी, जिसमें लांच थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर का रिकेंद्र पाल आया हुआ था। उसी शादी में ग्राम लोधीपुरा का रहने वाला युवक दीपेश भी पहुंचा था। तभी रिकेंद्र और दीपेश का कुर्सी पर बैठने को लेकर वाद विवाद होने लगा। विवाद के बीच रिकेंद्र ने कट्टा निकालकर दीपेश को गोली मार दी। कट्टे की गोली लगने से दीपेश गंभीर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इस पूरे मामले को लेकर भांडेर SDOP कार्निक श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि रिकेंद्र पाल नामक युवक ने दीपेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी है। दुरसरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कल ग्राम रजोरा थाना दुरसरा में एक शादी समारोह के दौरान एक गोली चलने की सूचना आई थी 250 पे, जिस पे तत्काल पुलिस फोर्स को रवाना किया गया। तो वहां पर पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपेश सन ऑफ लक्ष्मण पाल है, उम्र 18 वर्ष है, वो घायल अवस्था में था। उसके सिर में एक गोली लगने का घाव था, तो उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहाँ के जो घटनास्थल पे उपस्थित साक्षी थे उनसे पूछताछ की गई, तो जिसमें पता चला कि एक रिकेंद्र पाल नाम का व्यक्ति है, जो लांच थाने के अंतर्गत एक गांव का निवासी है, उसके द्वारा जो है वो मृतक को गोली मारी गई है। और अस्पताल पहुँचने पर जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका आज PM कराया जा रहा है। वो जो बाकी के लोग आरोपी हैं, क्या वो फरार हैं क्या? देखिए, मामले में FIR रात को ही दर्ज कर ली गई थी, और उसमें एक आरोपी है रिकेंद्र पाल, और जिसकी तलाश अभी जारी है, और उसके लिए टीम गठित कर दी गई है, और वो उसकी तलाश में रवाना है।